अस्सलाम वालेकुम हबीबी, मुझे अभी अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे की किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है मुंबई के अंदर 300 रुपए पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है। चलिए संवाददाता के पास। हेलो जी, बिल्कुल मैं सेलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया। हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो, 300 रुपया रोज का देने का है, मतलब टीएमसी बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है, और क्या चाहिए इंसान को। तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें। और कॉल भी तो पता है क्या करना है। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दो गुटों के बीच में धारदार हथियारों से हमले की घटना सामने आई है, जिसमें आप खुद साफ देख सकते हैं कि रात के समय बीच सड़क पर दो गुटों के बीच में विवाद में धारदार हथियारों से हमला किया जा रहा है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हुई ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे शहर की है, जहां वडगांव में ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इससे हमले में 3 लोगों के जख्मी होने की भी खबर सामने आ रही है। दो गुटों के बीच में मारपीट की ये वीडियो है और इसमें पुलिस के सामने कोयता गैंग का भी खुलासा हुआ है, और इस तरह सड़कों पर ये गैंगवार से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं एक तरफ पुलिस कमिश्नर रितेश कुमार अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सड़कों पर अपराधी तांडव मचाते हुए देखे जा सकते हैं। जो गैंगवार हुई है, बताया जा रहा है कि रात के समय ये गैंगवार हुई, दो गुटों के बीच में जमकर मारपीट और धारदार हथियारों से हमला हुआ, जिसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं।